लोग यहाँ हैं। पवित्र आत्मा ने मेरे को पिछले दिनों एक बात बोला, हम सब लोग आशीषित है, सबसे बड़ी बात है परमेश्वर हमारे बीच में है, ठीक है। और बहुत सारी बातें पिछले सवार मैंने बता दिया था, परमेश्वर ने जो मेरे मन में डाला था। और पिछले दिनों परमेश्वर ने दया किया था, हम लोग बिहार में गए थे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, यीशु मसीह की सच्चाई बिहार में लोगों को बताने के लिए। पवित्र आत्मा ने अद्भुत कार्य किया, हालेलुया। पिछले दिनों में जब गढ़वाल भवन के अंदर मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर हम सब लोगों ने प्रार्थना किया परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। उस समय जब बेदारी के लिए दीदी आराधना कर रहे थे, पूरे भारत के अंदर शैतान को खींचकर वो बांधते जा रहे थे, उसको रोंद रहे थे और बेदारी की घोषणा कर रहे थे। जब हम बिहार के अंदर गए जा रहे थे, रास्ते में लोगों ने बताया कि बिहार के अंदर बहुत खतरा है, बिहार के लोग बड़े टेढ़े हैं, बड़े लड़ाई करने वाले हैं, बड़े झगड़ा करने वाले हैं, बाहर के लोगों को लूट लेते हैं, ट्रेन में भी सीट ले लेते हैं, ये सब बातें बोलने लग गए, हमको डराने लग गए। लेकिन हमने बोला परमेश्वर हमारे साथ है। हम यीशु का नाम लेकर वहां पर गए थे। जब हम ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में ही एक जगह पे ट्रेन जब एक जगह परमेश्वर ने हमारी सहायता किया, हमने पूरी ट्रेन के पूरे एक डब्बे में और ट्रेन के नीचे सबको सुसमाचार सुनाया, और सारे जितने भी लोग थे सब ने यीशु मसीह के बारे में सुना। बाइबल तो ऐसे छीन छीन के ले लिया सब लोगों ने। और उस डिब्बे के अंदर मुसलमान लोग बैठे थे, मुसलमान लोगों को भी हमने यीशु के बारे में बताया, इतने आनंद से उन्होंने सुसमाचार सुना। और जब हम हमारा स्टेशन आ गया था, हम उतरे थे, तो मुसलमान लोग रोने लग गए, बोल रहे थे आपसे इतना प्रेम हो गया, रिश्ता जैसा हो गया, हालेलुया। हमें एक बात बिहार जाके मालूम पड़ा कि बिहार सचमुच में बहुत अच्छी जगह है, बिहार के लोग भी बड़े अच्छे हैं। हमने सोचा था लड़ाई झगड़े वाले, हमें दिल्ली में इतना आदर किसी ने नहीं किया, बिहार में लोगों ने हमें इतना आदर किया, बिहार के लोगों ने हमें इतना सम्मान दिया, हमें इतना प्रोटेक्शन दिया, सब कुछ, हालेलुया। और इतना ही नहीं, पता है आपको बिहार के अंदर कितने लोगों को पता होगा शायद, नशा दारू की दुकानें बिल्कुल बंद हो गया, ठेके हमेशा के लिए बंद ही कर दिया वहाँ के। हम जाके खुद देखा, वहाँ के लोगों के अंदर इतनी दहशत है इस समय नशा खरीदने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत सिक्योरिटी लगा रखा है। और ये अभी थोड़े दिनों में, जब यहाँ प्रार्थना चल रहा था, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया वहाँ की सरकार को, ये ऑर्डर देने के लिए परमेश्वर ने कार्य किया और वहाँ अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया। एक जगह पे मीटिंग था, मैं बिहार के बारे में थोड़ा बता के हम वचन से देखेंगे। एक जगह बहुत बड़ा, एक हमारे लिए, मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, 500 से 600 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। और उस जगह पे, उस जगह के सारे लीडर्स लोग थे, मुखिया लोग, सरपंच लोग, ये सारे लोग इकट्ठा थे। और हम लोग वहाँ यीशु के बारे में बताने के लिए गए, हमारे लिए तो एक बड़ा एक खतरे वाली बात लग रही थी। और वहाँ पर सन्नी भाई आराधना कर रहे थे, मैंने बोला सन्नी भाई आप ही बात करना, लेकिन सन्नी भाई ने बड़ी चलाकी दिखाई, आराधना करके बोला अभिषेक भाई दिल्ली से आए हैं और वो वचन से बात करेंगे, और माइक देकर चुपचाप से सन्नी भाई बैठ गए। मेरे अंदर थोड़ी घबराहट सी आई, क्योंकि वहाँ के सारे नेता वेता और सारे वहाँ के गुंडे लोग बैठे हुए थे, लंबे लंबे और गले में वो सब मफलर डालकर। लेकिन मेरे को परमेश्वर ने सहायता किया, मैंने ऐसी प्रार्थना करके शुरू हो गया, बस मैंने पौना घंटा वहाँ प्रचार कर दिया यीशु के बारे में, चिल्ला चिल्ला कर प्रचार किया। इतना ही नहीं, वो जितनी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था उन गुंडे लोगों ने किया था, पूरे गांव में स्पीकर, बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए थे, यदि मैं यहाँ यीशु बोलूंगा तो दूसरे गाँव में भी आवाज जाएगी, इतना उन्होंने सब कुछ कर रखा था। जब मैंने वहां खुल के प्रचार किया यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, तो गांव के लोग बड़े ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा हिलते झुलते हैं ना, वहां तो हिला भी नहीं कोई, बड़े ध्यान से एक एक बात को ध्यान से देखते रहे, टकटकी लगाकर सुनते रहे। और सबसे बड़ी बात थी, बिहार में उस दिन छठ पूजा थी, परमेश्वर ने चमत्कार किया। हम जब प्रचार करने लग गए, लोग पूजा वूजा छोड़ छाड़ कर सब उस प्रचार में आकर बैठ गए, उस सब लोग बैठ कर यीशु का सुसमाचार सुनने लग गए, और परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। हमने जब वहाँ पर प्रचार के बाद, मैंने एक बात देखा, अधिकतर लोग वहाँ रोने लग गए थे, वहाँ के नेता लोग रोने लग गए, वहाँ की लेडीज आगे बैठी थी रोने लग गई यीशु के प्रेम के बारे में जानकर। और परमेश्वर ने दया किया, हमने बोला जो व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं आगे आ जाओ। कम से कम 500 लोग थे कूद के हमारे ऊपर आए, और हम लोग बिल्कुल दिख भी नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, हालेलुया। इतना ही नहीं, हम ऐसे इतने सारे लोग थे तो किसके लिए प्रार्थना करना मुश्किल था। हम यूं प्रार्थना करते रहते, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, जल्दी जल्दी प्रार्थना कर रहे थे। एक व्यक्ति में मेरी नजर गया, उसको पैरालाइज था, उसके हाथ मुड़े हुए थे, और मैंने उसके लिए उसके हाथ को देख लिया था, लेकिन ऐसे बोला यीशु के नाम से चंगा हो जाए, अगले पे चला गया। मैंने देखा, मैंने पूछा अभी कैसा है,
तो उसके हाथ सीधे हो गए और वो चिल्लाकर बोला मेरे हाथ बिल्कुल सीधे हो गए, चीख चीख के सबको बताने लग गया। कुछ वीडियो हमने वहां रिकॉर्ड कर लिया, अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने किया। उसका पापा बोला झूठ बोल रहा है बे, कहां से ठीक हो गया? उसने हाथों को दिखाया, पापा मैं ठीक हो गया। और अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने करना शुरू कर दिया। वहां का जो एक मुखिया था, यानी कि वहां का गुंडा था, उसके पेट में दोनों में जगह पे किडनी के अंदर पथरी था। हमने प्रार्थनाएं बोलता किसी के यहाँ पर किडनी के अंदर पथरी है, परमेश्वर अभी ठीक करने जा रहे। और हमने ऐसी बोला, पवित्र आत्मा ने मन में डाल दिया था। आगे आके उसने गवाही देकर बोला, भैया जब आपने ऐसे बोला तो मेरे किडनी में दोनों पत्थर उछलने लग गया और अचानक से ना वो दर्द गायब हो गया और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रभु ने बिहार में किया। और जब हम वहां से आ रहे थे, पता खुशखबरी की बात, वहां के मुखिया लोगों ने सब ने हमको बुलाकर बोला अभी हमने देख लिया यीशु ही सच्चाई है। आपसे मैं बोलना चाहता हूं, अभी तो 500-600 लोग थे, अगली बार हम जल्दी आपको बुलाएंगे, 5000 तो कुर्सी लगवाएंगे। हालेलुया हालेलुया, बोलो भारत में रिवाइवल शुरू हो गया। पिछले दिनों रेमांटी ने बोला वचन जहां भी जाएगा वचन कार्य करे बगैर नहीं आएगा, और यीशु वचन है तो हम भी वचन है, हम जहां जाएंगे वहां पर परमेश्वर काम करेगा ही करेगा। और हम वहां पर गए, पवित्र आत्मा ने ऐसा कार्य किया, हम तो खड़े होकर देख रहे थे कि जो यीशु को जानते नहीं वो यीशु की जय जयकार कर रहे। आपको पता है एक बात, वहां पर मैं सो रहा था होटल में, जगह रुके थे हम, रात को 1 बजे आकर सोए थे, तो एक व्यक्ति ने आके दरवाजा खटखटाया सुबह 6:30 बजे। हमने सन्नी भाई ने खोल के दरवाजा, टॉयलेट में चले गए, वो मेरे पास आके बैठ गया, मेरे से पूछताछ करने लगे आप कौन है, कहाँ से है। मैंने सारा बताया, फिर मेरे को बोला मैंने सुना यीशु की चर्चा आजकल बहुत चल रही है यहाँ पर, जब से आप आए हो मुझे भी कुछ बताओ। मैंने यीशु के बारे में उसको बताया, बेड पे ऐसी बैठा हुआ था, आंख भी नहीं धोया मुंह भी नहीं धोया, उसको 1.5 घंटा यीशु के बारे में बताया। उसने बोला मैं 22 साल से निरंकारी की सेवा में लगा हुआ हूँ, लेकिन आज तक मुझे वो शांति नहीं मिला, लेकिन आपकी बातों में मेरे को शांति मिला। उसने बोला मुझको वो छोटा बाइबल दो, मैंने बाइबल दे दिया और घर चला गया। हम सो गए, अगली रात हो गई, सुबह उठकर फिर आ गया, उसने ही हमें उठाया, उठा के आकर बोला मैंने पूरी रात ये बाइबल पढ़ा है, मैंने इस बाइबल को पढ़कर ये जान लिया अरे निरंकार तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसने बोला मैंने जान लिया यीशु ही सच्चाई है। उसने बोला एक बहुत बड़ी जमीन है मेरे पास, मैं दारू पी पी के निरंकारी के जरा दारू नहीं छुट रहा, 20 करोड़ रुपए की जमीन मैंने बेच दिया दारू के चक्कर में, लेकिन एक जमीन रखा हुआ था जो मैं निरंकारी को देने जा रहा था। बोल रहा कि अपना एड्रेस दो, मैं आपके नाम करना चाहता हूँ चर्च के लिए, मैं बिहार में जगह देना चाहता हूँ। हालेलुया। हमने सोचा भी नहीं परमेश्वर ने ऐसे कार्य किए, जो लोग वहां सेवकाई कर रहे मैंने उनको मिलवा दिया, इनको दे दो और यहाँ पर आराधना शुरू करेंगे। हालेलुया। बेरो बेदारी तो शुरू हो गया। हालेलुया। अभी एक बात हमें समझना है, जहां भी आप जाएंगे इस विश्वास से जाना है, पवित्र आत्मा आपके साथ है और परमेश्वर ऐसे अद्भुत कार्य हम सबके द्वारा करेंगे, एक एक के द्वारा करेंगे, और बस आपको विश्वास के साथ जाना है। बहुत सारी अद्भुत बातें हुआ, बहुत सारे वीडियो हमने बनाया, पवित्र आत्मा ने कार्य किया। हालेलुया। सिर्फ एक बात मैं बोलकर हम जल्दी से एक वचन देख के प्रार्थना करेंगे। पिछले दिनों मैंने एक बात यहाँ पर बोला था कि हम सबको सबसे बढ़कर यीशु के प्रेम में बढ़ना है। कितने लोगों ने सुनी थी वो बात? हम सबको बोलो यीशु के प्रेम में बढ़ना है, पड़ोसी को बोलो यीशु के प्रेम में बढ़ना है। हालेलुया। पड़ोसी को हिलाकर बोलो यीशु के प्रेम में बढ़ना है। हालेलुया। बोलो उसी में सब कुछ है। आपको मालूम है मैंने अनुभव किया इन बातों को, जब मैंने यहाँ पर पवित्र आत्मा ने मुझे घर पर सिखाया और जब मैंने जाकर इस बात को अपने जीवन में लागू कर मैं संसार में निकल कर देखा तो मैंने अनुभव किया सचमुच में। मैंने पिछली बार ही बोला था सबसे सामर्थी व्यक्ति इस दुनिया में वो ही है जो यीशु को सबसे ज्यादा प्यार करता है, उससे बड़ा सामर्थी व्यक्ति कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। मैंने अनुभव किया, मैंने प्रार्थना किया, फास्टिंग किया, उपवास किया, प्रभु मैं सबसे बढ़कर आपको प्रेम करूं, उस जगह में जाते ही हमने अनुभव किया पवित्र आत्मा के कार्य को। कल भी एक जगह पे मीटिंग था, हम कल एक जगह मीटिंग में गए थे, उस मीटिंग के अंदर एक व्यक्ति मेरे से बहुत भैंसबाजी करने लग गया, उल्टा सीधा बोलने लग गया। मैंने कोई बात नहीं, मैं उसके बोला आपके लिए प्रार्थना करें, यीशु आपको बहुत प्यार करते, तो कुछ बोला नहीं। मैं उठ के अपने आप उसके पास ऐसे इतना ही खड़ा हुआ था, उसके लिए दुष्ट आत्मा चीखने और चिल्लाना शुरू हो गया और जाके दीवारों में सर मारा, इधर सर मारा, इधर सर मारा और दुष्ट आत्मा तुरंत निकल गया। अद्भुत सामर्थ्य को इन दिनों में हम अनुभव कर रहे। एक बात पवित्र आत्मा ने सिखाया, सबसे बढ़कर यीशु को प्यार करो। हालेलुया हालेलुया। बोलो चमत्कार होते रहेंगे, सब बोलो चमत्कार तो होते रहेंगे।
लेकिन सबसे हमें यीशु को प्यार करना है। हालेलुया। इसी बात के लिए एक वचन जल्दी से हम पढ़ेंगे, मरकुस हम 14वां अध्याय जल्दी से देखेंगे, समय तो आगे जा रहा है। 14:3 हम जल्दी से पढ़ेंगे, सब लोग बड़े ध्यान से इसको समझें। दो बात जल्दी से बोल के हम प्रार्थना करेंगे। जब वे बेतनिया में शमौन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य से में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये कल मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था, उपवास में, परमेश्वर से सुनने के लिए एक वचन सिर्फ परमेश्वर ने दिया। जल्दी से मैं बोल के हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब इस शिमोन कोड़ी के घर पे एक लेडीज आई यीशु मसीह के पास आकर, उसने 300 दिनार का कम से कम उसने इत्र को तोड़कर यीशु के ऊपर उंडेल दिया। हालेलुया। और उंडेलने के बाद, जैसे ही उंडेला, लोगों ने चिड़चिड़ाना शुरू कर दिया, ये तूने क्या किया, तुझे मालूम है ये कंगालों को बेचकर खिलाते तो अच्छा रहता, यीशु के ऊपर क्यों डाल दिया। यीशु ने तुरंत उनको डांटा, छोड़ दो, आपको मालूम है उसने मेरे साथ भलाई की है। हालेलुया। जब मैं जितना वचन ही पढ़ा, पवित्र आत्मा ने मेरे को एक बात बोला, आज चर्च में एक समझ में यीशु मुझे चर्च में बैठे थे, क्योंकि चर्च ही था वो, कुछ लोग बैठे थे, यीशु खाना खा रहे थे। आज चर्च में हम सब लोग आते हैं, हम सब लोग कुछ आशा से आते हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ यीशु से मांगने के लिए, इसी बात के लिए हम लोग आते के नहीं आते। हम ये प्रार्थना मांगने जा रहे हैं, हम इस बात के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, वो चीज मांगने के लिए जा रहे हैं, इसी बात के लिए हम प्रार्थना के लिए चर्च में आते। लेकिन इस लेडीज को देख के मैंने सीखा, ये यीशु के पास कुछ मांगने के लिए नहीं आई, यीशु को अपना सबसे बहुमूल्य चीज देने के लिए आई थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला, यही फर्क है आज कलीसिया में और उस समय के लोगों के अंदर। यीशु मसीह विवश हो गए इस बात को बोलने के लिए, दुनिया भर में जा मेरा सुसमाचार फैलेगा, वहां तेरी इस बात की चर्चा की जाएगी। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा ने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा ने बोला, बेटा इसके अंदर इसने कोई चमत्कार नहीं किया, इसने पतरस यहूना की तरह लंगड़ों को नहीं चलाया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन यीशु ने बोला पूरी पृथ्वी में इसका भी सुसमाचार फैलाया जाएगा। कारण है कि उसने कुछ नहीं किया, यीशु को पूरे हृदय से, संपूर्ण मन से यीशु को प्रेम किया और प्रेम करा ही नहीं, प्रेम का प्रमाण भी दिया। हालेलुया। 300 दिनार का मतलब 10 महीने की उसकी तनख्वाह। हालेलुया। 10 महीने जितना कमाने का इकट्ठा किया, एक क्षण में जाकर यीशु के ऊपर उंडेल दिया। पवित्र आत्मा वहां पर आनंदित है। हालेलुया। यीशु मसीह आनंद से भरकर बोला, इसे छोड़ दो, इसने मेरे साथ भलाई किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मेरे को एक बात बोला, आप कलीसिया में, हम सब लोग एक चीज सीखना है, आज कलीसिया में जब आते हैं तो प्रभु से कुछ पाने के लिए, मांगने के लिए छोड़ दो। हालेलुया। बोलो, सबसे बहुमूल्य चीज देने आना है। जब यहां पर आराधना कर रहे थे ना, मेरे अंदर वही बात चल रहा था, आराधना सबसे उत्तम आराधना मैं यीशु को दे। मेरे पास क्या है सबसे उत्तम, अपने घर में जाकर देखना क्या है सबसे उत्तम आपके पास, आपके परिवार में, आपकी व्यक्तिगत जीवन में, टैलेंट में क्या सबसे उत्तम है, उस उत्तम चीज को यीशु के लिए जब आप समर्पित करेंगे, आप समझ लेना उस समय समाज शायद आपको पागल बोलेगा, समाज शायद आपको उल्टा सीधा बोलेगा, पागल हो गया कैसे उल्टे काम कर रहा है, इतनी बहुमूल्य चीज यीशु वहां पर चर्च में जाकर देकर आ गया, अपना इतना कीमती समय चर्च में देकर आ गया। लेकिन ध्यान से सुनना, समाज की सुनना मत, यीशु जो बोल रहे सुनना, तूने मेरे साथ भलाई किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने मेरे को एक बात बोला, बेटा एक बात सुनो, इसको तो बोला था कि पृथ्वी भर में तुम्हारी चर्चा सुनाई जाएगी, लेकिन आज इस पीढ़ी में, इस अंतिम समय में जो मेरे लिए सबसे उत्तम देगा, उसकी चर्चा इस पृथ्वी में ही नहीं, पूरे स्वर्ग में भी उसकी चर्चा की जाएगी कि इस बच्चे ने मेरे लिए अपना सबसे बहुमूल्य चीज दे दिया। हालेलुया, हालेलुया।
जब मैंने अपनी जवानी के समय में यीशु मसीह को पढ़ाई छोड़ के अपना जीवन समर्पित कर रहा था, मेरे परिवार के और सारे रिश्तेदारों ने मुझे बोला पागल हो गया। उस समय मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, बोला पागल हो गया, इतनी बड़ी पढ़ाई छोड़कर, इतना पैसा बर्बाद करके छोड़कर सब यीशु की सेवकाई में जा रहा। सब ने बोला पागल हो गया, इसको दिमाग नहीं है। हमारे कलकत्ता से भी रिश्तेदारों ने आके मुझे डांटा। हालेलुया। मैंने देखा बाइबल के अंदर, इसको भी ऐसे बोला पागल हो गया, मेरे को भी बोला, लेकिन यीशु ने बोला तूने मेरे साथ भलाई किया है। हालेलुया। आज हजारों का जीवन यीशु मसीह हमारे द्वारा बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका जवानी का समय आपका उत्तम समय, आपकी उत्तम वस्तुएं परमेश्वर की महिमा के लिए आप समर्पित कर दे, पवित्र आत्मा आपको आदर करेंगे। हालेलुया। हम बाइबल के अंदर देखते हैं लूका 10वें 17वें अध्याय में पास्टर ने पिछले सेशन में बोला था, वहां पर यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह के बाद चेलों ने आकर बोला परमेश्वर सुनो, देखो हमारे पास दुष्टात्माओं को सामर्थ है, दुष्टात्मा हमारे अधीन में, सब बातें बोला। यीशु मसीह ने उनको क्या बोला मालूम है? इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे कब्जे में है, इस बात से आनंदित मत हो कि शैतान तुम्हारे कब्जे में आ गया। आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो, बीमारों को चंगा कर सकते हो, लंगड़ों को चला सकते हो, इन सब बातों से आनंदित मत होना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको पता है यीशु को आनंद करने वाली बात क्या है? इस लेडीज ने यीशु को आनंदित कर दिया। इस लेडीज ने अपना सबसे बहुमूल्य समय, सबसे बहुमूल्य चीज यीशु को देकर यीशु के हृदय को आनंदित कर दिया। आप समझ सकते हैं इस बात को? लंगड़ा ठीक हो गया, यीशु को आनंदित नहीं आया। हालेलुया। लेकिन एक लेडीज ने यीशु को प्यार किया, यीशु मसीह का हृदय आनंद से भर गया। हालेलुया। पड़ोसी के बोले यीशु को प्यार करो। हालेलुया। थोड़ा हिला के बोले यीशु को प्रेम करो। बोलो सबसे बढ़कर यीशु को प्रेम करो। हालेलुया। बोलो आप आशीषित हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई भी चीज आपको गिरा नहीं पाएगा और कोई चीज आपको परेशानी नहीं देगा, कभी भी आपका आनंद नहीं जाएगा, कभी निराशा नहीं आएगा। सिर्फ एक बात आपने सीख लिया, यीशु को सबसे बढ़कर प्रेम करें। हालेलुया, हालेलुया।